अधूरी रह गई एक्चुअली। देखो तबीयत तो मेरी ख़राब है वैसे, 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा सामान लेना है एक्चुअली। मुझे मैं बहुत काली काली दिखाई दे रही होंगी ना, बहुत गंदी वाली धूप पड़ रही है यार मेरे को। बस स्टैंड पे अभी तो वेट कर रही हूँ फ़िलहाल, और मेरे साथ कुछ और भी लोग वेट कर रहे हैं। इन अंकल ने मुझसे पूछा था पुरानी दिल्ली के लिए बस के लिए, तो मैंने सही से बस बता दी, लेकिन किसी और से पूछा तो उन्होंने गलत बता दी थी। अगले स्टैंड पर मुझे उतरना है और फाइनली रेड लाइट हो गई एकदम से, तो मैं खड़ी तो हो चुकी हूँ पर सरोजनी नगर के स्टैंड पे उतरने के बाद मैं यहाँ आगे आई हूँ। ये वाला जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ जूम करके, यहाँ सारी ना मतलब वो क्वार्टर होते हैं ना इस टाइप के, वो बिल्डिंग्स सारी बनी हुई थी पूरे एरिया में बहुत आगे तक, दूर दूर तक, लेकिन ये सब ख़त्म हो चुका है। ये लो भाई, मार्केट तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है सारा। बट मैं आ गई हूँ इस धूप भरी दोपहर में, 12:15-12:30 बज रहे हैं शायद। कुछ ना कुछ तो लेकर जाऊँगी यहाँ से, ख़रीदारी करूँगी, आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। यहाँ बीच में खड़े होके एक बार मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देती हूँ, इतनी गंदी वाली भीड़ है इधर। सैटरडे को आई हूँ ना मैं, तो इसलिए और ज़्यादा रश है, सैटरडे संडे तो ज़्यादा ही रश रहता है। एक प्लेट बना देना भैया। सरोजनी नगर मार्केट में मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे ये खस्ता कचौड़ी ज़रूर खाती हूँ, मतलब कोशिश मेरी रहती है क्योंकि भूख लगती है तो मैं यही खाती हूँ, और इसके साथ फिर एक आइसक्रीम ले लेती हूँ साथ में, मैंगो या ऑरेंज वाली कोई भी सिंपल सी, बहुत टेस्टी मुझे लगती है। आप लोग भी कमेंट में मुझे बताना कि किस किस को खस्ता कचौड़ी पसंद है। अपनी फेवरेट कचौड़ी ख़त्म करने के बाद मैं वापस अंदर मार्केट में एंट्री कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने देखा है इतनी सारी वैरायटीज़ है ना, लड़कियों के कपड़ों के लिए तो बहुत ही सारी वैरायटीज़ है, और बहुत रीज़नेबल से भी सस्ते रेट्स में है, यहाँ पे सेल्स में है, तो वैरायटीज़ बहुत सारी, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर्स, ये वो बहुत। यहाँ बच्चों के भी कपड़े हैं, बड़ों के भी कपड़े हैं, जेंट्स लेडीज सबके कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये देखो सामने ये शॉर्ट्स वगैरह भी हैं, तो मतलब टाइम टेकिंग है, अदरवाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें वाइट कलर नहीं है ना, दिक्कत ये है वाइट। इसको पैक कर दो, इसको खोल के सही तरीके से वो कर दो। शॉप नंबर क्या है भैया? ये 103। बहुत सारी शॉपिंग कर रही है, मैंने पेटीएम से इतना ज़्यादा पे कर दिया कि मेरी लिमिट ही एक्सीड हो गई आज की।
सेम ही है। चलो भाई देख के पहले मैं पैसे निकाल लेती हूँ और उसके बाद बेर पसंद है ना मुझे, मैं बेर ले लूँगी। थोड़ा बहुत कैश है मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं है। रखा किधर है? बहुत चक्कर आ गए थे एक्चुअली मुझे, फिर मैंने पानी की बॉटल ली, ये सभी निकाली, पानी की बॉटल ली, वो खस्ता कचौड़ी खाई जो कि मेरी फेवरेट है। ये बहुत क्यूट है, शॉपिंग करनी थी। अराउंड मैंने 2500 रुपये खर्च कर दिए हैं वैसे तो, बट मैंने लिया क्या है मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा, जो कि थैलों में भरा हुआ है। घर जाके दिखाती हूँ क्या क्या लिया है। अंकल 10 के बेर दे दो। दो भी देखता है, हम खाना खा रहे हैं, बिस्तरा लाओ करे 115 नंबर में। अरे आप भाई खाना खा लो। अरे चांस तू तो है ही तो, अरे मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो होगा। अरे ले लो ये मन चली खट्टी मीठी है मन। देखो मार्केट तो खत्म हो चुका है पीछे, बहुत पीछे, लेकिन यहाँ बाहर भी है शॉपिंग जो लोग कर रहे हैं। बताती हूँ क्या खरीद रहे हैं ये ऐसा। ये है अंडरपास। अब मैं दूंगी बस, कोई भी मिल जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। फाइनली आ चुकी हूँ घर पे, तो मैं आ गई थी दीदी के पास, रुक गई थी थोड़ा, ये लेके आई हूँ मैं। ये भी अच्छा लगा मुझे, मैंने ना एक्चुअली ये ट्राई करके देखा था, ये वाला तो प्रॉपर शॉप से लिया है, ये सेल वेल से उठाया थोड़ा थोड़ा, इसका तो प्राइस टैग भी लगा हुआ है 895। तो ये मैंने ट्राई किया था तो अच्छा लगा मुझे, कपड़ा भी अच्छा है इसका, कॉटन का है। यस, ये मैं पैंट लेकर आई हूँ, मेरे 2 कुर्ते हैं तो उन पर मुझे व्हाइट पैंट की जरूरत थी, इसको शायद सीक्रेट पैंट बोलते हैं, तो बहुत अच्छा है ये, मैं 500 रुपये का लेकर आई हूँ। इस पर कुछ लिखा है, इस पर तो खैर 999 लिखा है, बट मैं 500 रुपये का लेकर आई हूँ इसे, बहुत अच्छा है, खादी वाला है ये, कुछ खादी में है, बहुत सही है, मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा है, मतलब ना तो मेरे को एंकल लेंथ पसंद नहीं है एक्चुअली, तो उस हिसाब से और बहुत सही है। यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है और इधर ये चेन है एंड वन पॉकेट जो कि होती है पैंट्स में, आगे सामने तो ये वाला पोर्शन तो ऐसा रहता है और बैक वाला जो है वो इलास्टिक वाला होता है। और कुछ अगर आपको पूछना हो ना तो फिर मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मुझे नहीं पता। मुझे लगा ठीक है अब यार शॉपिंग करने गई हूँ तो एक वीडियो बना लिया जाए और आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है। तो 2 ये मैं दिखा रही थी, ये मैं 2 स्टॉल्स लेके आई हूँ, आप देख सकते हो, लड़कियों को ज्यादा सुंदर लगेगा, उनको ज्यादा पता चलेगा। तो टॉप वगैरह के ऊपर थोड़ा अच्छा है, मतलब बढ़िया लगा मेरे को, ऐसा इसका कलर अच्छी है, कॉटन मिक्स में है, बहुत बढ़िया है गर्मियों के हिसाब से। और ये एक सिंपल सी ये लेके आई हूँ, इसमें देखो यहाँ ये ऐसे ऐसे वाला डिजाइन है, देखिए सिंपल है, एक ये ऐसी वाली लेके आई हूँ, ये पतली है, वो थोड़ा सा कपड़ा उसका हल्का सा मोटा है, बट हाँ गर्मियों में मैं चुन्नी ओढ़ के जाती हूँ तो उससे तो काफी बेटर है।
और मैंने खाती हूँ और क्या क्या है, बहुत सारी चीजें मैं लेके आई हूँ। एक टॉप लेके आई हूँ, मैं मोस्टली शर्ट्स और टी शर्ट्स और ऐसे, आप लोगों ने देखा होगा मुझे, मेरा लुक कुछ अलग ही रहता है, तो इसका मुझे प्रिंट अच्छा लगा एक्चुअली, टाइट लग रहा है बट ठीक है मैं लेके आ गई, मुझे अच्छा लगा इसलिए। एक मैं ब्लैक में लेके आई हूँ, ऐसा लुक, ये ऐसा है, इसमें ऐसी लाइनिंग लाइनिंग है यहाँ पे भी है ना, ये इधर ये लगाया हुआ है, स्लीव्स इसकी लॉन्ग है, मुझे लॉन्ग स्लीव्स थोड़ी पसंद है। ब्लैक चुन्नी लेके आई हूँ, यस ब्लैक वाला कुर्ता है मेरा, उस पर इतने वाले फैब्रिक में मुझे पसंद है, एकदम गिरी पड़ी सी पसंद नहीं है, थोड़ा सा ये फुली फुली हो जाती है ना लाइक। तो जब जब मैं ये आउटफिट्स पहनूंगी तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो या रील बना लूंगी, फिर वो मैं डालूंगी, तो आप देख लेना कि कैसा कैसा लगा है। कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मतलब पूछ लेना, कमेंट में मैसेज कर देना मुझे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना मन करे तो, और ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय 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 बाय।